स्वागत है, मैं हूँ नेहा राय और आप हमारा खास शो देख रहे हैं सुपर सिनेमा। सुपर सिनेमा में आज हम बात करेंगे बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की, जिन्होंने हाल ही में अपनी मूवी रिलीज की है गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ में उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया है, जैसे कॉमिक रोल है। अभी देखते हैं उन्होंने क्या किया है। आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, वेरी एंटरटेनिंग, बहुत एंजॉय। और दूसरी तरफ क्लास कॉमेडी की अगर हम लोग बात करें, परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग, क्योंकि अक्षय कुमार की हमें कॉमेडी मूवी पता ही है कैसे एक से एक उन्होंने बेमिसाल रोल्स किए हैं, तो वी कैन नॉट कंपेयर बोथ ऑफ देम, दे आर वंडरफुल इन द रोल्स। ओके सर, तो आपको करीना दिलजीत का जो रोल था कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा करीना कपूर और अक्षय कुमार की केमिस्ट्री एक तरफ, और दिलजीत और कायरा की दोनों ही पंजाबी कपल्स बने हैं, और इट्स शोन हाउ दे गेट जजमेंटल, दे हैव प्रीकंसीव्ड नोशंस, बट टूवर्ड्स द एंड देयर इज अ फेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन वेयर यू नो उनको पता चलता है कि बेबी किसी भी रूप में आए, चाहे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो या नेचुरल बेबी हो या एडॉप्शन से हो, सोशल मैसेज यही है कि इट्स द बेबी, द अनकंडीशनल लव दैट यू गिव टू द बेबी दैट मैटर्स। सर आपको कितना लगता है कि बॉक्स ऑफिस में धमाल कर दी? बहुत धमाल करेगी, क्योंकि इतनी एंटरटेनिंग मूवी है, एंड ऑफ कोर्स वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी और कमाल करेगी। सर तो लगता है आपको अक्षय कुमार का रिकॉर्ड तोड़ देगी? डेफिनेटली डेफिनेटली। तो 5 आफ्टर कितने स्टार्स? 4.5 आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम गिविंग 4.5, एंड यू मस्ट इमेजिन कि हाउ एंटरटेनिंग इट इज दैट आई एम गिविंग 4.5 स्टार्स टू अ मूवी। थैंक यू। सर आपको अक्षय कुमार और दिलजीत में से आपको बेस्ट पार्ट मूवी का कौन सा लगा? द लास्ट सीन। सर आपका कौन सा, मतलब मूवी में कौन सा सोशल मैसेज था? स्पर्म डोनर के ऊपर सर। ओके सर, और आप 5 में कितने स्टार्स? 4.5। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और सर आपको कैसा लगा, मतलब इज अ फनी? इट्स वेरी फनी, इक्वली रोमांटिक, बट इट्स टू फनी, लाइक आई लव्ड इट, दे हैव प्लॉटेड इट वेरी वेल। सर आपको अक्षय कुमार की और अक्की सर इज लाइक अक्षय सर इज द बेस्ट। मेरे लिए तो एक ही था, मतलब देवर लॉट ऑफ बेस्ट प्लॉट्स, वन ऑफ वॉज वेन अक्की सर वॉज मेकिंग फन ऑफ कियारा वेन देवर इन देयर हाउस, सो आई वुड नॉट से मच अबाउट इट, आई वुड रियली लव यू ऑल टू गो एंड वॉच इट। सौदा करा करा। सर, आप 5 को कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं तो जितने हैं सारे स्टार्स उनको ही देना चाहूँगा। हाँ जी। स्टोरी वॉज फैंटास्टिक, आई थिंक आज मॉर्निंग में उठते ही इतना जॉयफुल हो गया, आई एम वेरी चीयरफुल आफ्टर वॉचिंग द मूवी। Story line was good. I think the excitement level remained throughout the movie and the humor was fantastic. What about the concept of the film? How much you connected? The concept of the movie is new. I think we people should have something to learn from here, and
the emotional connect was amazing. What about performance of actors? The star cast was already so good. I think I am nobody to comment on their performance. It was great. What about the Jodis? Jodi's chemistry, both of them were fantastic, but I think the couple who played a typical Punjabi role as a couple, that is Diljit and Kiara, they had a lot more funny things which helped, which songs in the film? Songs, the original song that is Chandigarh Mein, that is my favorite, amongst my favorite now. Out of 5, I would rate 4 because of its humor, its excitement level, and emotional touch also. Thank you. Sir, aapko good news movie kaisi lagi? Good news mein bahut kuch good news dekhne ko milega aur sunne ko milega kyunki Akshay Kumar ki acting lajawab hai, kyunki wo apne comedy ke liye jo jaane jaate hain, aaj bhi wo unhone achhi comedy ki hai Kareena Kapoor ke saath aur ye film dekhne layak hai. Sir, Kiara Advani aur Kareena ke beech mein kisi ka acting? हाँ, कियारा भी अपने आप में बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और करीना कपूर, इसमें तुलना करना बड़ा मुश्किल है, और अच्छे हैं दोनों अपने अपने जगहों पर अच्छे हैं. सर, करीना और अक्षय की जोड़ी कैसी लगी? अक्षय और करीना की जोड़ी हमेशा से, बहुत सारी फिल्में उन्होंने एक साथ की हुई हैं, वैसे भी उनकी जोड़ी तो बहुत ही अच्छी है. इसमें भी बहुत अच्छी लगती है इनकी कॉमेडी पंचेज, और उनका जो एक बॉन्डिंग है बहुत अच्छी है. ऑफ कोर्स अक्षय एंड करीना. हाँ, कॉमेडी है यहाँ पे, मगर एक वर्क के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब हम मिडिल क्लास फैमिली के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ता है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि इस तरह की फिल्में वो परिवार के साथ नहीं देख सकते. हालांकि वो कॉलेज स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स जो भी हैं वो आके देख सकते हैं, मगर बहुत मुश्किल है. हाँ, फैमिली मूवी नहीं, मिडिल क्लास फैमिली के साथ बैठ के देखना बड़ा मुश्किल है. फाइव में 5 देना चाहूँगा, कॉमेडी के लिए, एक्टिंग के लिए, अक्षय कुमार के, और सारी फिल्म के लिए. ये आपको मूवी? मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी है, एंड मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है. IVF पे जिस तरीके से बात की गई है, बहुत ही कॉमेडी तरीके से बात की है, इमोशनल भी पार्ट दिखाया है, तो फिल्म ओवरऑल बहुत अच्छी है. अक्षय कुमार और करीना कपूर की केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? अक्षय कुमार और करीना कपूर की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जब हमने उन्हें एतराज़ में देखा था तो वहीं से ही उनकी जोड़ी सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी, तो अब गुड न्यूज़ में देखने के बाद तो मुझे और भी अच्छी लगी. अच्छा, तभी से आप फैन हैं एतराज़ से? बिल्कुल. अच्छा, इसलिए फर्स्ट शो देखने आई है आप? जी बिल्कुल. अच्छा, तो बाकी दिलजीत के बारे में और कियारा के बारे में क्या कहना है आपका? वेल, कियारा मुझे इसमें काफ़ी हॉट लगी, भले ही उन्होंने वो एकदम पंजाबी रोल किया है, लेकिन कियारा मुझे हॉट बहुत लगी है. साथ ही अगर दिलजीत की बात करूँ तो उनकी कॉमिक टाइमिंग जो है वो मुझे अक्षय से भी ज़्यादा अच्छी लगी है. समटाइम कि कई बार उन्होंने काफ़ी अच्छी टाइमिंग पकड़ी है, कई बार उन्होंने अच्छी डायलॉग डिलीवरी दी है, तो आई लाइक इट. बाकी डायरेक्शन के बारे में? वेल, राज मेहता का डायरेक्शन काफ़ी अच्छा रहा है. उन्होंने किस वक्त में आपको हंसाना है, किस वक्त में आपको रुलाना है, इन सभी बातों पे काफ़ी गौर किया है. ओवरऑल आपको मूवी कैसी लगी? ओवरऑल मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे फैमिली ओरिएंटेड भी लगी, कि मुझे ऐसा नहीं लगा कहीं पर भी कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो. सो आई विश कि सब लोग अपनी फैमिली के साथ ये फिल्म देखने ज़रूर जाएँ. 5 स्टार में से कितने देने थे? मैं 4 दूँगी. तो आपको इतनी अच्छी लगी फिर भी 4 स्टार? हाँ, कहते हैं ना कि थोड़े थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं फिल्म में, तो उसके लिए मैंने 1 स्टार माइनस कर दिया. ओके, थैंक यू सो मच. आपको गुड न्यूज मूवी आपने देखी, आपको कैसी लगी? मूवी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और जिस तरीके से इसमें कॉमेडी है, चारों स्टार कास्ट की बात करें, काफ़ी समय के बाद अक्षय कुमार और करीना कपूर आए, दिलजीत कियारा की भी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, और स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एक नया कॉन्सेप्ट है फिल्म में. और मैम, आपको कैसा लगता है, मतलब आपको दिलजीत और अक्षय कुमार की दोनों में से किसी कॉमिक बहुत अच्छी लगी? मैंने बोला चारों के काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब जिस तरीके से कॉमेडी था वो लोग में, और जिस तरीके से एंटरटेन किया, तो हंसते हंसते मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया. फिर परफॉर्मेंस कैसा लगा सबका? सबका अच्छा लगा. अच्छा, हीरो हीरोइन को छोड़ के बाकी किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? सबकी अच्छी है. ओके मैम, तो आपको मतलब कितना कमा सकते, आपको कितना लगता टारगेट? फिल्म तो बॉक्स ऑफिस में मजा आएगी, बस इतना पता है मुझे. और डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और गाने भी काफ़ी ज़्यादा है. एक गाना जो है दिला दे घर चंडीगढ़ में, तो वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को पसंद आया है, और बीट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. ओके, तो और कोई सोशल मैसेज है? हाँ, फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी मैसेज दे रहा है,
जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया एक्सचेंज हो गया, स्पर्म का दिखाया है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैसेज दे रहा है। तो मैं तो लोगों को रिकमेंड करूँगी कि वो फिल्म एक बार देखने जरूर आए, काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी करेंगे इस फिल्म को। फैमिली के साथ देख सकते हैं, सबके साथ देख सकते हैं। और आप 5 आपको कितने स्टार देना चाहिए? मैं 5 out of 5, 4 दूँगी। आपने गुड न्यूज़ मूवी देखी, आपको कैसी लगी? मुझे गुड न्यूज़ मूवी बहुत अच्छी लगी। और आपको परफॉर्मेंस कैसा लगा मूवी? परफॉर्मेंस सब चारों का बेस्ट है और अक्षय कुमार की जो कॉमिक टाइमिंग है वो सबसे बेस्ट है। अक्षय कुमार का काम ही मेरे को सबसे बेस्ट लगा। सर आपको कैसा लगता है कि बॉक्स ऑफिस में धमाल कर देगी? हाँ, बॉक्स ऑफिस में धमाल कर देगी। ये हैप्पी न्यू ईयर टाइप की मूवी है जो न्यू ईयर के टाइम रिलीज हो रही है और एंड ऑफ न्यू ईयर तो बेस्ट है मूवी। फैमिली के साथ देख सकते हैं मूवी? हाँ, फैमिली के साथ देख सकते हैं, बट आप अकेले या फिर अपने किसी के साथ जाओ तो ही ठीक है। ओके सर, तो आपको कितना लगता है कि कायरा अडवाणी और करीना के साथ किसकी जोड़ी सबसे बेस्ट लग रही है? दोनों की जोड़ी दोनों के साथ बेस्ट है। करीना कपूर और अक्षय कुमार काफ़ी करीबन 10 साल के बाद साथ में आया तो उनकी जोड़ी बेस्ट, और कियारा अडवाणी और दिलजीत सर भी बेस्ट है। की जो जोड़ी मतलब ऐसा कबीर सिंह में आपने देखी और ऐसा कंपेयर इस मूवी में तो कैसी लगी? मतलब दोनों बहुत, कबीर सिंह का लेवल ही अलग है। कबीर सिंह तो कबीर सिंह है और गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ है। अब वो क्या है, थोड़ी रोमांटिक मूवी थी, ये कॉमेडी मूवी है, तो दोनों में कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, दोनों बेस्ट है। आपको सॉन्ग कौन सा अच्छा लगा? सौदा करा करा सॉन्ग ज़्यादा बेस्ट है। तो और बेस्ट मूवी का पार्ट? मूवी का पार्ट ये है कि शुरू में थोड़ी सी हल्की सी बोरिंग लगी बट आगे आगे रफ्तार पकड़ ली तो मूवी एंटरटेनिंग है। आप आपने देखी, जैसे कि हमने पब्लिक रिव्यू लिया, उन्हें मूवी बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा मतलब 5 out of 4 star ऐसा बहुत बोल रहे हैं, बहुत यूनिक स्टोरी है। देखते हैं अभी, हमने भी देखी है, बहुत यूनिक स्टोरी है, तो देखते हैं अभी कितना धमाल करती है बॉक्स ऑफिस में। मैं कैमरामैन के साथ अविनाश पाइक राव, मैं नेहा राय।